देखिए एक्सरसाइज 4.3 आज सीखेंगे हम दो चरों वाले ये तो पाठ का नाम है का आलेख आलेख का इन्हें ग्राफ में बदल आलेख से पहले एक 30 मिनट का वीडियो हमारा पड़ा हुआ है हम कल डाल देंगे उसको आपके कोर्स से वो पार्ट कट गया उस पार्ट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति ठीक है वो 30 मिनट का वीडियो आप देख लेना आपको ये सब चीज़ें जो आज हम बता रहे हैं इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा ठीक है क्योंकि ये तीसरा चैप्टर का छोटा सा पार्ट हम आपको समझाएंगे संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी किस किस ने पढ़ी है एक दो तीन एक संख्या रेखा इसी पर बना दो 90 डिग्री के कोण पर और जीरो जीरो की जगह रहना चाहिए प्लस वाले ऊपर आ जाने चाहिए और माइनस वाले नीचे ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री एक दो तीन चार माइनस एक माइनस दो कहा है तुम्हें ये सारे काम जो होते हैं वो ग्राफ कॉपी में होते हैं अब मान लो ग्राफ में कॉपी नहीं है हमारे पास वैसे होनी चाहिए अगर कल लेके आना परसों को आप पैमाना लीजिए पैमाना रखिए एक लाइन ऐसे कीजिए एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए और एक तरफ बीच में जीरो लिख के आगे सीधे हाथ की तरफ प्लस एक दो तीन और उल्टे हाथ की तरफ माइनस एक दो बेटा तुम्हारी जो बहुत जरूरी बातें हैं वो बाद में कर लेना है ना अभी इधर देख लो और ये एक संख्या रेखा हमने इस पर 90 डिग्री पर बना दी जिसमें ऊपर की दिशा में जीरो से आगे एक दो तीन मतलब जीरो को जीरो से मिला के संख्या रेखा बनाई 90 डिग्री पर ये जो आपके पास सिस्टम आया ये इस पूरे तल को चार भागों में बांट रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये जो कहलाता है वो कहलाता है कार्तीय ये पूरा तल कार्तीय तल है चारों ठीक है और इसके यहाँ सीधे हाथ की तरफ से इसे कहते हैं चतुर्थांश चतुर्थांश क्यों कह रहे हैं चतुर्थांश क्योंकि चार भागों का एक अंश है और ये कौन सा अंश माना प्रथम तो चार भागों में प्रथम चतुर्थांश ही होगा ये जैसे क्वाड्रेंट भी कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में ये तृतीय चतुर्थांश बहुत ध्यान से समझ लेना और ये चतुर्थांश अब यदि हमें इस चतुर्थांश में चारों में से कहीं भी किसी बिंदु को निरूपित करना है किसे निरूपित करना है मान लीजिए ये बिंदु ले रहे हैं बिंदु का नाम है पी बिंदु पी अब बिंदु पी को निर्देशित करने के लिए निर्देशित मतलब निर्देश करने के लिए कि भाई पूरे यहां पर कहीं पर ये बिंदु है अब मैं कहूं बताओ ये बिंदु कहां पर है तुम कहोगे बोले साथ नीचे से थोड़ा सा ऊपर को इधर ये रहा ऐसे तो कहोगे अब यहां तक पहुंचे कैसे हम तुमने तो यूं करके उंगली दिखा दी और यहां देखे दो बिंदु मान लो तुम किसकी बात कर रहे हो हम तुमसे कह रहे हैं बताओ उनकी पोजीशन क्या है कैसे बता सकते हैं हम ऐसा करते हैं इसे जीरो मान लेंगे कॉलम को ठीक है इधर निशान लगाएंगे एक दो तीन चार पांच इधर लगाएंगे एक दो तीन चार पांच पहले यहां से चलेंगे इधर बिल्कुल ठीक इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे ठीक है मान लो ये यहाँ पे आ रहा होता 10 है ना और फिर यहां से एक बिल्कुल लम जो है वो यहाँ डाल देते यहाँ आ रहा होता मान लीजिए 5 या 6 या 8 आठ आ रहा होता मान लो तो ये बिंदु इधर से कितनी दूरी पे होता 10 और इधर से कितनी दूरी पे होता इधर से मतलब यहाँ जब लम डाला तो यहाँ से मूल बिंदु से कितनी दूरी पे होता तो इस बिंदु में हमने संकेतों के रूप में लिख दिया 10 8 10 क्या है कि जब आप मूल बिंदु यहाँ जो बिंदु निकाल रहे हो उससे इस वाले एक पर लम डालोगे तो इसकी यहाँ से दूरी देख लो यानी एक अब मान लो ये जो बिंदु है ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है मतलब कहां से हम देख रहे हैं आप अपने घर से कितनी दूर हो तो आप अपने घर से दूरी नाप रहे हो आप स्टेशन से कितनी दूर हो आप स्टेशन से दूरी नाप रहे हो है ना आप गेट से कितनी दूर हो तो गेट से दूरी नाप रहे हो दूर सबसे हो लेकिन किससे दैट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस गेट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया स्टेशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया आपका घर पॉइंट ऑफ रेफरेंस
ऐसे ही किसके सापेक्ष, किस बिंदु के सापेक्ष आप चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो बिंदु है, जो जीरो है, इसे कहा जाता है मूल बिंदु। पहली बात, सबसे पहले। दूसरी बात, किसी बिंदु को निर्देशित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं निर्देशांक का, निर्देश अंक। ये निर्देशांक दो होते हैं, पहला एक्स होता है और दूसरा वाई। किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में लिखे होते हैं के रूप में होते हैं। नंबर एक, हमेशा किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और वाई के रूप में होते हैं और ब्रैकेट लगा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब कहां से शुरुआत करेंगे, किसके सापेक्ष नापेंगे, हम नापेंगे मूल बिंदु के साथ, और मूल बिंदु पे एक्स कितना है और वाई कितना है। मूल बिंदु पे एक्स भी जीरो है, सवाल ये होता है एक्स और वाई क्या है, ये तो बात आई। तो ये जो एक्स है, जो लेटी हुई अक्ष है, इसे कहते हैं एक्स अक्ष और इसे कहते हैं हम वाई अक्ष। मूल बिंदु से इस वाले एक्स पे कोई है तो एक्स निर्देशांक होगा, और मूल बिंदु से इस वाले एक्स पे कोई राशि है तो वो वाई निर्देशांक होगा। मान लीजिए यही बिंदु ले रहा हूं और इस बिंदु से इसके निर्देशांक पता करने हैं, तो इस बिंदु से यहां पे लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर, जिस बिंदु पर निर्देशांक पता करना है। तो जो लंब डाला है वो देखो मूल बिंदु से कितनी दूर पे आगे गिरा, एक्स अक्ष पे है, तो इसका एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा, और वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका प्लस माइनस नीचे की तरफ, माइनस ये होगा। मान लो ये ले रहे हैं, ये बिंदु है, पहले हमेशा x लिखते हैं, तो x कितना है इसका 3 और y कितना है, नीचे। अगर आप ध्यान से देखें तो x और y है, जहां पे x क्या है बिंदु का x, और इस x के निर्देशांक का एक नाम भी रखते हैं f सिसा, क्या कहते हैं f सिसा, और हिंदी में इसे कहते हैं भुज, ठीक है। और y क्या है, यहां पर बिंदु का y निर्देशांक, और इसे कहते हैं हम कोटि। तीन खत्म हो गए, बैठो पढ़ लेना उसके बाद। ये बिंदु का y निर्देशांक, अब इसकी परिभाषा क्या है x निर्देशांक की, यहां से देखो। यानी अगर मैं जनरल बात करूं, ये हटा दूं सब, तो ये निर्देशांक है x कॉमा y, और ये जब मैंने यहां लंब डाला तो ये मूल बिंदु से दूरी होगी इसकी, वो कितनी होगी x, ठीक है। और यहां लंब डाला तो ये दूरी कितनी होगी y, ये भी हटा दो सब, यानी ये दूरी कितनी होगी। तो यानी अभी मेरे पास जब भी कोई बिंदु होगा, मान लो ये एक्स अक्ष है, यहां पे कोई बिंदु है मेरे पास, उसका नाम मैंने क्यू रख दिया, उसके निर्देशांक है a कॉमा b, जब यहां लंब डालूंगा तो हमेशा यहां से दूरी कितनी आ जाएगी इसकी मूल बिंदु से a, और ये दूरी कितनी होगी, क्यों होगी ये दूरी भी, भाई यहां पे लंब डालो, यहां लंब डालो, y निर्देशांक कितना है b, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे होगा वो बिंदु b दूरी पर। ये बन जाएगा एक आयत, जैसे ये बन गया आमने सामने मिला बराबर है, तो ये जितना है उतना ये है, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। तो जब भी हमारे पास कोई बिंदु होगा ये कॉमा बी, हमेशा उस बिंदु से हम एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, और क्या होना चाहिए उससे पहले हमारे पास कार्तीय तल, उस कार्तीय तल में जो भी बिंदु हमारे पास दिया होगा उस बिंदु से जैसे हम एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, मूल बिंदु से ये दूरी एक्स हो जाएगी और ये दूरी वाई हो जाएगी, क्लियर हो गई बात। और मूल बिंदु के निर्देशांक, अच्छा इसके मैं बताने जा रहा था आपको कि भाई वाई निर्देशांक एक्स निर्देशांक होता क्या है। आप देखो एक्स निर्देशांक जो है, अगर मैं यहां लंब डालूं ये वाला, तो ये भी तो एक्स हो जाएगा आयत बनने के बाद, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी, क्योंकि किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी जो होती है वो हमेशा लंबवत होती है, तो एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी कौन सा निर्देशांक है, और y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कौन सा निर्देशांक है, तो बिंदु का x निर्देशांक है क्या, एक्चुअली
वो है बिंदु की y अक्ष से दूरी, समझ लीजिए आप अपने आप इसको ध्यान से। और x बिंदु का y निर्देशांक क्या है? बिंदु की x अक्ष। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे समझ गए हो जल्दी, बाकी भी ध्यान दें। ये तुम्हारे कोर्स से कट गया है, मुझे जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इसका यूज है चौथे चैप्टर। अब किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए हमने आपको एक ये एक दो तीन प्लस एक प्लस दो प्लस तीन माइनस एक माइनस एक दो तीन माइनस, ये पैमाने से बनाओगे एक सेंटीमीटर दूरी। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यहां पर बिंदु एक कॉमा दो निर्देशित कीजिए। अब सवाल ये होता है कि बिंदु एक कॉमा दो कैसे निर्देशित होगा? तो पहले कितना लिखा है? एक। बाद में कितना लिखा है? दो। पहले जो लिखा है वो कौन सा निर्देशांक होता है? बाद में जो लिखा है वो कौन सा होता है? एक्स एक्स कौन सी रेखा है, कौन सी अक्ष है? तो वाई कौन सी है? खड़ी। इसे कहते हैं क्षैतिज, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है? तो इंग्लिश में याद रखेंगे हम, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है एक्स अक्ष, और एक होती है वर्टिकल एक्सिस, ये होती है वाई अक्ष। ये मैं यहां बना के दिखा रहा हूं बार बार, ये आपकी एक्स अक्ष है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल, समझ में आ गया होगा? वर्टिकल समझ में आ गया, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। तो पहला जो एक्स निर्देशांक है वो तो हॉरिजॉन्टल वाली एक्स पे चलेगा, एक्स अक्ष पर, और दूसरा कहाँ चलेगा? क्लियर हो रही बात? एक कॉमा दो हमेशा चलना कहाँ से शुरू करेंगे? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैंने बताया आप अपने घर से चले तो आपके घर से चलेंगे, स्टेशन से चले कहाँ से चलेंगे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से जब पहले मुझे एक लेना है, एक कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पे चलो एक, ठीक है? अब दो y निर्देशांक है, y निर्देशांक ऊपर होता है वर्टिकल, ऊपर चलो बिल्कुल सीधा सीधा दो के सामने आ जाओ, आ गए? ये आ गया बिंदु एक कॉमा दो। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा माइनस दो कॉमा एक दिखाओ कहाँ है, तो पहले माइनस दो के लिए आप यहां से चलिए मूल बिंदु से, और माइनस दो है तो माइनस दो पे आ जाइए, अगले अब वाई एक्स ऊपर है ऊपर आ जाओ, ये आ गया बिंदु कितना माइनस दो कॉमा। अब मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं जीरो कॉमा दो बताओ, तो जीरो कॉमा दो का मतलब है एक्स पे तो चले ही नहीं, एक्स पे तो चले ही नहीं जीरो में, अब जब वाई निकलेंगे तो ऊपर चलेंगे, कितना ऊपर? दो, बिल्कुल वर्टिकल ऊपर आ जाओ, ये आ गया। अब मान लो आपसे कहते हैं दो कॉमा जीरो, तो मूल बिंदु से एक्स पे चलते दो और वाई पे चल रही नहीं है, कितना होगा? और मूल बिंदु कौन सा है, ना एक्स पे चलेगा वाई पे चलेगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितने हो जाएंगे बताओ? हाँ हाँ कुछ आवाज आई, बोलो। मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएंगे जीरो कॉमा, क्योंकि निर्देशांक जो है वो जोड़े में लिखे जाते हैं, पहले x लिखा जाता है और फिर y। अच्छा x अक्ष पे कोई बिंदु अगर है, x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक, कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक कितने होंगे? बहुत बढ़िया, x कॉमा जीरो। y हो गई कब? जब बिंदु x अक्ष पर है, ये x अक्ष है ना, और ये कौन सी है y, जब बिंदु x अक्ष पर है तो y पे चली कब रहे हो, तो y कितना होगा? जीरो। और जो बिंदु y अक्ष पर है उसका कौन जीरो होगा? x जीरो होगा, क्योंकि ना इधर चल रहे हो नहीं, मूल बिंदु से इधर उधर चलोगे तभी तो x होगा, और मूल बिंदु पे इधर उधर तो चले नहीं, जीरो पर है, और ऊपर की तरफ चल रहे हो, तो x कितना हो गया इसका? तो y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक जीरो कॉमा
वाई का मतलब वाई का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो भी बिंदु वाई एक्स पे होगा उसका एक्स निर्देशांक कैसा होगा, और जो बिंदु एक्स एक्स पे होगा, तो जरा मैं कोई बिंदु लिख रहा हूं उसमें बताना कौन सा एक्स अक्ष पर है और कौन सा वाई अक्ष पर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, और एक ये हो गया ई। अब मुझे आप ये बताएंगे कि इनमें पांचों में से कौन सा एक्स अक्ष पर है, कौन कौन सा है, सी और ए, ए है 0.5। इसका x निर्देशांक कितना है, तो क्या कभी ये x अक्ष पे हो सकता है, एक ही स्थिति में हो सकता है जब इसका y निर्देशांक भी 0 हो। भाई जिसका x 0 है, समझो जिसका x 0 है और वो x अक्ष पे है वो दुनिया में एक ही बिंदु है 0.0। जिसका x 0 है y भी 0 है वही x अक्ष पर है, वरना जिसका x 0 है y का कुछ मान है तो वो तो x अक्ष से अलग हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा अब इसमें ये बताओ x अक्ष की धनात्मक दिशा पर कौन सा बिंदु स्थित है, ए बी सी डी में कौन सा स्थित है, x अक्ष की धनात्मक दिशा होगी कौन सी, ये वाली है x अक्ष की धनात्मक दिशा, यहाँ पर कौन सा बिंदु स्थित है, सी 5.0। और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में y अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है, b। कौन सा बिंदु है जो ना x अक्ष पर है ना y अक्ष पर है। अब देखिए निशानों के आधार पर हम देखेंगे कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। यहां पर जो भी बिंदु होगा उसका x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक होगा। इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे उसका x ऋणात्मक होगा लेकिन y, इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे तीसरे में x भी ऋणात्मक और y भी, और इस चतुर्थांश में जो बिंदु होंगे वो x ऋणात्मक और y। अब ये वाला बिंदु बताओ कौन से चतुर्थांश में आएगा, इस बारे में नाम लेके बताओ, चतुर्थांश है ना। अच्छा ये वाला कौन से चतुर्थांश में आएगा, 0.5 यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ना प्रथम पे होगा ना द्वितीय पे होगा, ये तो वाई एक्स पे होगा। क्यों भाई, ये 0.5 तो यहाँ आएगा ना, ये ना तो प्रथम है ना द्वितीय, कौन सी अक्ष है ये, किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये कौन से अक्ष पे होगा ये बताओ जरा, कौन सा चतुर्थांश होगा, क्लियर हो गई सब, मूल बिंदु क्लियर हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक कितने होते हैं 0.0, एक्स एक्स पे कोई बिंदु का निर्देशांक, वाई पे किसी चतुर्थांश में बिंदु कैसा निरूपित करेंगे ये भी आपने देख लिया। बस इसी की जरूरत हमें इस 4.3 एक्सरसाइज में पड़ेगी, कैसे पड़ेगी चलिए देखते हैं, ये उतारोगे मेरा तो समझने का था, उतारोगे उतार लो, चलो उतार लो।